आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। एक बार फिर से स्वागत है आपका वन दरोगा और पशुधन प्रसार अधिकारी के पार्ट नंबर 15 में। हम यहाँ पे आज नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स ऑफ द डे कौन 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 लोग बने हैं। पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन पूछा था कि किस ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन कोई प्रतिजन नहीं मिलता। इसका आंसर है ब्लड ग्रुप ओ। किसमें? ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं मिलता। तो आज के स्टूडेंट ऑफ द डे बने हैं, कुछ लोगों ने सबसे पहले आंसर दिए हैं, कहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले आंसर दिया है आदेश डिमरी ने, उसके बाद खुसाई सिंह राणा ने, ये बहुत ही रेगुलर आंसर देते हैं, इनको बहुत बहुत बधाई सभी को। प्रवीण रावत ने, प्राची सकलानी ने, दीक्षा काम्बोज ने, इन लोगों ने सबसे पहले आंसर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं, इसके अलावा विजय भट्ट जी ने भी दिया है, सागर साई ने भी दिया है, सभी ने आंसर दिया है। तो सभी को जो है बहुत बहुत बधाई, ऐसे पढ़ाई करते रहें। और स्टार्ट करते हैं, आप भी अगर बनना चाहते हैं स्टूडेंट ऑफ द डे, क्वेश्चन के वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको करना है। और इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 161 से। इससे पहले मैं आपको पिछले दो तीन पार्ट पहले मैंने यहाँ तक आपको करा दिए थे, अब 161 से देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी क्या है, यानी खगोलीय मात्रक जो है किसकी दूरी होता है। तो खगोलीय मात्रक दूरी, यानी बहुत खगोलीय मात्रक जो है दूरी का बहुत बड़ा मात्रक होता है, यानी जब हम स्पेस और पृथ्वी के बीच की दूरी मापते हैं तो वहाँ पे हम मीटर किलोमीटर नहीं मापते, हमेशा किसका यूज़ करते हैं, खगोलीय दूरियों का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने न्यूटन से पूर्व पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होती हैं। देखिए सबसे आपको पता होगा कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने दिया था, लेकिन बहुत ही आश्चर्य की बात है कि न्यूटन से पहले भारत के बहुत ही महान साइंटिस्ट आर्यभट्ट ने ही बता दिया था कि जो जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, वो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। तो पृथ्वी की ओर क्यों आकर्षित होती हैं, उन्होंने बताया था पृथ्वी उन वस्तुओं पे एक बल लगाती है, जिस बल को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 163 कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जेट इंजन होता है वो हमेशा एंगुलर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल चालक को प्रारंभ करने में अधिक बल क्यों लगता है, यानी आपने देखा जब कोई साइकिल चलाता है तो उसको साइकिल प्रारंभ यानी स्टार्ट करने में ज़्यादा फोर्स क्यों लगता है। देखिए ज़्यादा, ये इलेवेंथ की फिजिक्स से लिया गया क्वेश्चन है। ज़्यादा बल इसलिए लगते हैं क्योंकि जो साइकिल चालक होता है, जो साइकिल चला रहा होता है, वो स्टार्टिंग में इनार्शिया के खिलाफ, इनार्शिया के अपोज भी एक काम करता है। इनार्शिया क्या होता है, देखिए इनार्शिया मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी चीज वस्तु पे एक बल लगता है जो उस बल की प्रकृति का, जो उस बल की स्टेट चेंज होने का विरोध करता है, उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। आपने देखा वो जब किसी बस में बैठे हुए होते हैं तो जब एकदम से बस में ब्रेक लगता है तो आप आगे की ओर झुकते हैं, या कोई स्पीड एकदम से बढ़ाते हैं तो आप आगे की ओर झुकते हैं। तो आगे की ओर आप इसलिए झुकते हैं कि आप उस स्पीड को की बढ़ने का विरोध करते हैं, और इस गुण को फिजिक्स में इनर्शिया कहा जाता है। क्या कहते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है, या फिर जड़त्व तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़त्व तो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। सबसे पहले बायोलॉजिस्ट टर्म का यूज़ लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था सबसे पहले। इसके अलावा फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को बोलते हैं, लेकिन सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का यूज़ लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, वो है थियोफ्रेस्टस। कौन है, बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक को किसको बोलते हैं, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चिकित्सा शास्त्र का, यानी फादर ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे बोलते हैं। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसको, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, चिकित्सा शास्त्र का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फादर स्टडी ऑफ फ्लावर। तो पुष्पों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह है देहरादून में। कहाँ है, देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में अंग्रेजों के ज़माने से स्थित है। इसका मेन काम होता है भारत की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके लिए जो नए नए रूल हैं या उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देखना FRI का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वानस्पतिक
सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी फादर ऑफ वर्गीकी बोलते हैं टैक्सोनॉमी को, मैंने आपको पहले भी कराया था दो पार्ट में शायद। तो टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, यानी टैक्सोनॉमी का मतलब होता है एनिमल्स और प्लांट्स को क्लासीफाई करना, उनको वर्गीकृत करना, उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे बोलते हैं, कार्ल वॉन लिनियस। आप इसको याद रखना, एक ही नाम है पूरा, तो लिनियस को कहा जाता है, इसे बोलते हैं शॉर्ट में कैरोलस लिनियस। क्या बोलते हैं? कैरोलस लिनियस। वर्गीकरण की बहुत इंपॉर्टेंट भी मैंने कराया था, यूनिट क्या होती है टैक्सोनॉमी की, यानी टैक्सोनॉमी की यूनिट क्या होती है। देखिए कहीं पे भी हम जब जाते हैं तो टैक्सोनॉमी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्पीसीज होती है, जाति बोलते हैं इसे हिंदी में। क्या बोलते हैं? जाति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? एथत ल्यूवेनहॉक ने की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। किसने की थी बैक्टीरिया खोज? ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, यानी ट्रू न्यूक्लियस किसमें अनुपस्थित होता है? जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनमें वास्तविक केंद्रक यानी ट्रू न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भोजन की विषाक्तता, यानी भोजन जहरीला क्यों बन जाता है, यानी फूड पॉइजनिंग, सीधी सी बात अगर मैं बोलूं तो जो फूड पॉइजनिंग क्यों हो जाती है, तो फूड पॉइजनिंग उस खाने में कुछ बैक्टीरिया के जमा होने के कारण होती है। वो बैक्टीरिया कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। कौन सा? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। इस बैक्टीरिया के कारण फूड क्या हो जाता है, जहरीला हो जाता है, या फिर फूड पॉइजनिंग भी हो जाता है। आपको कोई ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि फूड पॉइजनिंग निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा सहायक होती है? देखिए नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में हमेशा वो फसलें सहायक होती हैं जो जनरली जो दालें होती हैं, या फिर जो फली वाली सब्जी, फली वाली फसलें होती हैं, ठीक है। फली वाली फसलें जो हैं, जैसे बीन्स हो गया, बीन्स इनमें फलियां मिलती हैं, तो ये फसल ज़्यादा नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के द्वारा होती है? तो ये साइड टिक द करेक्ट का था, तो जो आपको याद रखना है कि जो कुष्ठ रोग है, लेप्रोसी, जो कोड जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो हमेशा बैक्टीरिया के कारण होता है। किस कारण? बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य, देखिए एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जीवाणुओं को, आपने देखा होगा कि जब हम चीज़ों को फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में क्यों रखते हैं? शीतकरण का मतलब होता है बहुत ही कम टेम्परेचर पर रखना। तो फ्रिज में इसलिए रखते हैं कि ताकि उनमें जीवाणु ना पनप सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दही के रूप में जमने का कारण क्या है? देखिए दूध को दही में बदलता है कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बदलता है दूध को दही में। और दही में कौन सा एसिड मिलता है? लैक्टिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी वृक्षों की जो बार्क होती है, जो छाल होती है, उन पर उगने वाले कवक क्या कहते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? कार्टिकोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टिकोल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग इसके बीज का कारण होता है? देखिए जो खुजली होती है हमेशा फंगी के कारण होती है। किस कारण? फंगी के कारण, कवक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन किन दो, ये इंपॉर्टेंट, लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बना होता है? तो लाइकेन हमेशा फंगी और एल्गी, यानी कवक और शैवाल से मिलकर जो है बना होता है, ठीक है। लाइकेन थैलोफाइटा ग्रुप का मेंबर होता है। लाइकेन किसका सूचक होता है, जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण का? सबको पता है कि लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सूचक होता है, और वायु प्रदूषण में भी किसका सबसे ज़्यादा? सल्फर डाइऑक्साइड का ये सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ के स्थान पर मूलाभास बोलते हैं राइजोइड्स को। राइजोइड्स क्या होता है? देखिए जब जड़ों से छोटी छोटी ब्रांचें निकलती हैं उनको राइजोइड्स कहा जाता है। तो जड़ के स्थान पर राइजोइड्स किसमें पाए जाते हैं? तो ब्रायोफाइट्स में। किसमें? ब्रायोफाइट में। देखो ब्रायोफाइट ग्रुप के जो मेंबर होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनमें लीव्स नहीं होती, स्टेम नहीं होता, रूट्स नहीं होते, तो उनमें वेल डेवलप सिस्टम नहीं होता, तो उनमें रूट्स के बदले राइजोइड्स मिलते हैं ब्रायोफाइट में, जबकि टेरिडोफाइट में ऐसा नहीं होता। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट के जो ग्रुप होता है उसमें सबसे ज़्यादा
क्रोमोजोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 12th के एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। लिविंग फॉसिल्स किसको कहा जाता है, साइकस को हमेशा लिविंग फॉसिल्स कहते हैं, लिविंग फॉसिल किसको कहा जाता है, साइकस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है, यानी श्वसन रेस्पिरेटरी रूट्स किस में पाई जाती है, तो रेस्पिरेटरी रूट्स जूसिया एक प्लांट होता है उसमें पाई जाती है, जूसिया में, याद रखना आपको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बता दूं, ये क्वेश्चन एलटी में भी पूछा गया क्वेश्चन है बहुत बार। साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका आंसर है, साबूदाना साइकस से प्राप्त करते हैं, किससे, साइकस से प्राप्त किया जाता है साबूदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जड़ नहीं है, तो देखो आलू जो है, जो पोटैटो होता है वो एक जड़ नहीं है, क्या नहीं है, जड़ नहीं है वो, उसका जो हम खाते हैं आलू वो स्टेम होता है, ट्यूबर होता है एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं, रूट्स होते हैं वो कहाँ, सीड के किस भाग से बनती हैं, तो रूट जो है, जो जड़ें होती हैं वो बीज के मूलांकुर से बनती हैं, किससे बनती हैं, मूलांकुर से बनती हैं। गाजर क्या है, तो गाजर एक प्रकार की जड़ होती है, रूट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग प्रकंद होता है, कौन सा, ट्यूब होता है, कौन सा होता है, प्रकंद होता है। प्याज किसका परिवर्तित रूप होता है, तो प्याज तने का, स्टेम का परिवर्तित रूप होता है, प्याज किसका परिवर्तित रूप होता है, स्टेम का। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है, 220 वोल्ट क्या प्रदर्शित करता है, तो एक एवरेज वोल्टेज होता है, क्या होता है, एवरेज वोल्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, क्या होते हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए नाभिक पे भी पॉजिटिव ही चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो एम्पियर विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिसिटी का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है, लॉबस्टर एक जो है, आपको पता है कि लॉबस्टर एक खाने वाले जो है समुद्री एक जीव होता है, एक क्रस्टेशियन से संबंधित है, किससे, क्रस्टेशियन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता सबसे अधिक होती है, तो किसमें होती है, चना एवं दलहन की फसलों में, चना एवं दलहन की फसलों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है, तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का जो काम होता है वो होता है विद्युत परिपथ की हेल्प, वो रक्षा करना, यानी जब कभी बहुत ज़्यादा बिजली जाती है अगर सर्किट से, तो सर्किट को बीच से तोड़ने का काम करता है विद्युत फ्यूज। और प्रासव्य तरंगें मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती हैं, नहीं, तो नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि इनकी जो डेसिबल फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी रेंज से बहुत ज़्यादा होती है। और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है, 24 के 24 घंटे वो घूमता रहता है पृथ्वी के चारों ओर। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आज बात करते हैं आज क्वेश्चन ऑफ द डे की, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, जिसका आंसर आप दे सकते हैं और बन सकते हैं स्टूडेंट ऑफ द डे। यह आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, देखिए कि द मेन फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम, जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करना एसिडिक मीडियम में, ऑप्शन बी प्रोटीन को डाइजेस्ट करना बेसिक मीडियम में, ऑप्शन सी प्रोटीन को डाइजेस्ट करना ऑल मीडियम में, या फिर ऑप्शन डी लिपिड को डाइजेस्ट करना। इन चारों में से क्या है आंसर आपको देना है, और सबसे पहले जिसका आंसर होगा वो बनेगा स्टूडेंट ऑफ द डे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।